सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, और टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखिए, इस टॉपिक के थ्रू हम एक नए आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि भाई ये जो आइडियोलॉजी था वो किस तरह से, जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे 1830 से 1848 के बीच में, उसको किस तरह से प्रभावित कर रहा था, और जो नेशन स्टेट का आइडिया था, ठीक है, उसको लोगों के बीच किस तरह से और भी स्ट्रॉन्गर बना रहा था। तो इस टॉपिक में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटरी एक्सपेंशन। सो जो नेशनलिज्म का जो एक विकास हो रहा था, जो नेशनलिज्म का फीलिंग था, यानी देशभक्ति की जो फीलिंग थी, जो लोगों में ग्रो कर रही थी, जो लोगों में उसका विकास हो रहा था, वो केवल वॉर्स लड़कर, ठीक है, यानी युद्ध लड़कर नहीं आ रहा था केवल, और ना ही तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी टेरिटरीज के बाउंड्री को बढ़ाकर आ रहा था। मींस कि ये दोनों जो थे, वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वो ये लोग दोनों अकेले कायम नहीं थे, कैपेबल नहीं थे कि लोगों में नेशनलिज्म के फीलिंग को ग्रो करवा सके, ठीक है। अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल थे नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म के फीलिंग को लोगों के बीच में ग्रो करवाने में। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। तो जो अभी हमने एक अदर फैक्टर के बारे में बात किया कि एक अदर फैक्टर था जो कि नेशनलिज्म के फीलिंग को क्या कर रहा था, लोगों में ट्रिगर कर रहा था, वो क्या था, कल्चर यानी संस्कृति। संस्कृति यानी कल्चर जो था एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा था नेशनलिज्म के आइडिया को लोगों के बीच और भी स्ट्रॉन्गर बनाने में। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कल्चर था, ठीक है, जो कल्चर था वो मॉरल बेसिस पर, ठीक है, मॉरल बेसिस पर लोगों को इंस्पायर कर रहा था कि वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करें और राष्ट्र की स्थापना करें, एक तरह से कहें तो नेशन स्टेट की स्थापना करें, ठीक है। और यहां पर अभी हम बात करेंगे कि कल्चर किन चीजों को, यानी किन चीजों को कंसिस्ट करता है, इसके पिलर्स क्या हैं, ठीक है। तो भाई कल्चर के पिलर्स हैं आर्ट एंड पोएट्री यानी कला और काव्य, स्टोरीज एंड म्यूजिक यानी कहानियां और संगीत। तो ये चार पिलर्स हैं कल्चर के, इन्हीं के सहारे लोग जो थे ना वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपने नेशनलिज्म को, यानी देशभक्ति को एक्सप्रेस कर रहे थे, और साथ ही ये सारी चीज जो थे कल्चर के अंडर में, ये एक नेशनलिज्म को और एक अच्छे तरीके से, ठीक है, एक मेट्रिकुलस वे में लोगों के बीच ला रहे थे, एक तरह से कह सकते कि नेशनलिज्म के फीलिंग में और भी निखार ला रहे थे, ठीक है। तो यहीं पर वही बताया गया है कि कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। जो कल्चर था वो नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करने में काफी मदद कर रहा था, और साथ ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म के फीलिंग को ट्रिगर कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। सो मैंने ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बोला था कि एक नए आइडियोलॉजी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नया आइडियोलॉजी है वो है रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम रोमांटिसिज्म के टर्म को समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि रोमांटिसिज्म जो था, जो रोमांटिसिज्म का जो टर्म है, वो किस तरह से रिवॉल्यूशंस को क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, इन्फ्लुएंस्ड कर रहा था। तो अब हम वो देखेंगे। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि रोमांटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट है, ठीक है, एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कि कल्चर, ठीक है, यानी संस्कृति को एक खास तरह के एक स्पेशल टाइप के नेशनलिस्ट फीलिंग यानी देशभक्ति की भावना को लोगों में जनरेट करने की कोशिश की जा रही थी। मींस कि रोमांटिसिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी था जिसमें कल्चर को, ठीक है, संस्कृति को यूज किया जाता था लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग यानी देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए, ठीक है, इनकल्केट लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग को कल्चर के थ्रू किया जा रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा कह सकते आइडियोलॉजी था जो कि काफी सपोर्ट किसको करता था, संस्कृति को यानी कल्चर को करता था, और
कल्चर की हेल्प से, यानी कल्चर की हेल्प से चेंजेस लाने की कोशिश करता था सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या समझे कि अब जो रिवॉल्यूशंस होने वाले थे 1830 से 1848 के बीच में, उसमें रोमांटिसिज्म का ये आइडियोलॉजी रहेगा। यानी अब कल्चर भी एक विपन की तरह यूज करने वाले थे ये रोमांटिक्स, यानी जो रोमांटिसिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ठीक है, तो वो लोग अब क्या करने वाले थे कि जो कल्चर था उसको एज अ विपन यूज करने वाले थे रिवॉल्यूशन में, जिससे कि लोग क्या हो जाए, लोग नेशनलिस्ट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करें और नेशन स्टेट के आइडिया को फॉलो करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो रोमांटिसिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ठीक है, मतलब जो भी लोग रोमांटिसिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उन्हें हम रोमांटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम रोमांटिक्स के व्यू को जानेंगे, उनके वे ऑफ थिंकिंग को जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नजरिया किस तरह का था। तो भाई, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो यहाँ पर इनके एक फीचर को बताया गया है कि जो रोमांटिक्स हुआ करते थे, ठीक है, जो रोमांटिक्स आर्टिस्ट एंड पोएट्स थे, वो लोग साइंस एंड रीजन के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया करते थे। यानी जिन जगहों पर साइंस एंड रीजन का गुणगान किया जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था जिन जगहों पर, वहां पर ये रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जो थे वो जाकर साइंस की खामी निकाला करते थे, एक तरह से कहें तो आलोचना किया करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय साइंस के स्फेयर में भी काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारे नए इन्वेंशंस हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी, जिसकी वजह से जो रोमांटिक्स थे, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा हर्ट फील होता था। ठीक है, तो इस वजह से ये साइंस और रीजन को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। और साइंस में क्या है भाई, साइंस है तो रीजन है, साइंस तो कारण से भरा हुआ है, रीजन से भरा हुआ है, तो साइंस है तो रीजन है, और रीजन अगर है तो लोग डिबेट करेंगे उस रीजन को लेकर, यानी तर्क वितर्क होगा, तो ये भी उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जिसकी वजह से ये लोग साइंस और रीजन के ग्लोरिफिकेशन को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, यानी ये साइंस और रीजन के अगेंस्ट में थे। अब देखते हैं भाई कि ये किस चीज को फेवर करते थे, अब उसको देखते हैं। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। सो भाई, ये लोग अगेंस्ट थे साइंस एंड रीजन के, उसकी जगह पर ये लोग इमोशंस यानी जो फीलिंग्स होती हैं, इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, यानी हमारी जो एक अंतरात्मा की आवाज होती है उसे, एंड मिस्टिकल फीलिंग यानी रहस्यमयी भावनाओं को ये लोग काफी क्या करते थे, वैल्यू दिया करते थे एक तरह से कहें तो, इन सारी चीजों को काफी फोकस किया करते थे। और देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। सो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि कल्चर की मदद से, संस्कृति की मदद से लोगों के बीच में एकता की भावना लाया जाए। ठीक है, यानी कल्चर की मदद से ये लोग लोगों के बीच में क्या लाना चाहते थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी को लाना चाहते थे, और साथ ही ये चाहते थे कि अगर कोई नेशन बने, ठीक है, अगर एक राष्ट्र बनता है तो उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, वो एक कॉमन कल्चरल पास्ट को शेयर करें। कॉमन कल्चरल पास्ट कहने से मतलब है कि कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड को शेयर करें, एक तरह से कहें तो जितने भी स्टेट में लोग रह रहे हैं उस, मतलब उस राष्ट्र में लोग रह रहे हैं, उनका एक ही संस्कृति हो, यानी कॉमन कल्चर हो। तो ये कुछ इस तरह का, मतलब अपना आइडियोलॉजी लेकर चलते थे नेशन स्टेट के आइडिया को लेकर। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लोगों में कॉमन को, मतलब कल्चर को कॉमन करना चाहते थे, तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग नेशन स्टेट को क्रिएट जो करना चाहते थे उसका बेस
ये लोग नेशन को बनाना चाहते, मतलब सॉरी नेशन नहीं, कल्चर को बनाना चाहते थे। मीन्स जो ये लोग राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे उसमें जो कल्चर है, संस्कृति जो है, उसको बेस बनाना चाहते थे, जिसके ऊपर फिर नेशन स्टेट का इमरजेंस हो। ठीक है, तो ये हम समझ गए इनके आइडियोलॉजी को, इनके माइंडसेट को, नेशन स्टेट के आइडिया से जो भी इनका रिलेटेड माइंडसेट था, इसको हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिया गया रोमांटिक्स का। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया रोमांटिक्स का, तो इससे हमारा जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा भाई कि किस तरह का आखिर रोमांटिक्स सोचते थे। यहाँ पे तो हमने ओवरव्यू लिया कि सारे रोमांटिक्स इस टाइप का मतलब माइंडसेट रखते थे, बट यहाँ पर हमें एक फिलोसफर के बारे में बताया गया, जिसकी वजह से हमारा जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रिड हर्डर 1744 to 1803। तो यहाँ पर एक जर्मन फिलोसफर के बारे में बात किया गया, जिनका नाम क्या है, जॉन गॉटफ्रिड हर्डर, जिनका जन्म 1744 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1803 में हुआ था। तो ये भी क्या थे, एक भाई रोमांटिक थे, यानी रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी से ये भी प्रभावित थे। तो अब इनके हम विश्वास को देखते हैं, इनके बिलीव्स को देखते हैं कि किस तरह का अपना इनका थिंकिंग था। सो जॉन गॉटफ्रिड हर्डर क्लेम्ड दैट अ ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दास बुक। ठीक है, तो इनका मानना था, इनका कहना था, ये दावा करते थे कि जो हम जर्मन कल्चर की बात कर रहे हैं, जर्मनी की संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो कहीं और से नहीं आएगा। ठीक है, वो कहीं और से नहीं आएगा, ना हमें कहीं और जाके इसे ढूंढना पड़ेगा, बल्कि ये जो जर्मनी की संस्कृति है, जो जर्मन कल्चर है, वो जर्मन पीपल में ही है। मतलब जो जर्मन कल्चर है वो जर्मन पीपल में ही प्रेजेंट है। जरूरत हमें है कि हम जर्मन पीपल को डिस्कवर करें। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉमन पीपल है उनको यहाँ पर दास बुक उन्होंने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि कल्चर को लेकर ये भी काफी सेंसिटिव थे। इनका मानना था कि लोगों में कल्चर होता है, ये कहीं आउटर वर्ल्ड से नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। सो यहाँ पर इनका एक और हमें बिलीफ देखने को मिला है, इनका विश्वास देखने को मिला है। इनके अकॉर्डिंग फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, ठीक है, ये सारे जो हैं, जो लोग रीजनली कैरी आउट करते, यानी जो लोग लोकली एक संस्कृति को फॉलो करते थे, वो ये जॉन गॉटफ्रिड जो है उन सारे चीजों को क्या मानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं नेशन का। एक तरह से कहें तो वो फोक डांसेस, फोक पोएट्री और फोक सॉन्ग्स को, ठीक है, यानी लोकल जो भी लोकली लोग एक कल्चर को फॉलो करते थे, उसको राष्ट्र की आत्मा मानते थे। ठीक है, बहुत ही, एक तरह से कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे नेशन स्टेट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. साथ ही जो ये regional culture था, जो locally लोग जो एक culture को follow किया करते थे, उसका collection यानी उसको एकत्र करना और recording यानी उसे अंकित करना, एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो regional culture है उसको record किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, यानी एक तरह से प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। और इनका मानना था कि भाई जो भी फोक कल्चर है, यानी लोग जो लोकली ठीक है, जो लोकली प्रैक्टिस्ड कल्चर है, यानी जो लोग लोकली अपना जो कल्चर फॉलो करते हैं, उसे प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था किसका, नेशन बिल्डिंग का।
यानी जो नेशन स्टेट बनाने का जो लोग डिजायर देख रहे हैं, जो सपना भी देख रहे थे कि राष्ट्र में हमें कन्वर्ट होना है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो भी फोक कल्चर्स हैं, ठीक है, उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाए। क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई जब फोक कल्चर्स को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, तो जितने भी लोग होंगे वो अपने कल्चर से वाकिफ हो पाएंगे, ठीक है, सभी अपने कल्चर को जान पाएंगे। और इससे क्या होगा कि कल्चर जो है लोगों में कॉमननेस लेके आएगा, ठीक है, कॉमननेस लेके आएगा। और जिससे क्या होगा कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो स्ट्रांग होगा। और अगर नेशनलिज्म का फीलिंग स्ट्रांग हो रहा है तो अल्टीमेटली नेशन स्टेट के आइडिया को भी काफी पावर मिलेगा, काफी वो भी स्ट्रांग होगा। तो इस तरह का कुछ उनका माइंडसेट था कल्चर को लेकर और नेशन स्टेट के आइडिया को लेकर। आगे बढ़ते हैं। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फ्लोकर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। देखिए यहाँ पर जो बार बार स्थानीय बोली, ठीक है, स्थानीय बोली यानी एक तरह से फोक कल्चर को जो बार बार इम्फ्रासिस किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, यानी जो रीजनल स्थानीय बोली जो होती है, ठीक है। तो भाई क्या हो रहा था रोमांटिसिज्म के अंडर की लोकल लैंग्वेजेस जो थे, ठीक है, उन पर काफी जोर दिया जा रहा था। जो लोकल लैंग्वेज थे, रीजनल लैंग्वेज थे, जो रीजन बाय रीजन लोग यूज करते थे, उसको काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। और साथ ही उन पर काफी फोकस भी किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था वो अभी हमें पता चलेगा कि क्यों किया जा रहा था। द कलेक्शन ऑफ लोकल फ्लोकर यानी जो लोग कहानियां बुना करते थे, रीजनली लोकली जो लोग कहानियां बुना करते थे, कहानियां बनाया करते थे, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रिजर्व करके रखना, एक तरह से उसे कलेक्ट करना भी बहुत ही एसेंशियल कंसिडर किया गया था, बहुत ही आवश्यक कंसिडर किया गया था। तो ये सब आखिर क्यों किया जा रहा था, क्या इंटेंशन था, तो अब वो समझना है। वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एशियंट नेशनल स्पिरिट, ये सब करने के पीछे इंटेंशन ये नहीं था कि भाई राष्ट्रीय एकता लाना, यानी कल्चर के माध्यम से लोगों के बीच में एकता लाना, यही केवल इंटेंशन नहीं था, ठीक है। क्या मेनली लोग क्या ऐसा परफॉर्म करके, ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करके मेनली लोग क्या करना चाहते थे, अब समझना है बात को, ठीक है। बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। ये सारे स्टेप्स जो थे एक के बाद एक उठाए जा रहे थे ताकि जो नेशनलिस्ट मैसेजेस हैं, ठीक है, यानी देशभक्ति का जो संदेश है वो कम लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में स्प्रेड कर पाए, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में लोगों के बीच में जो संदेश है, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट से भरा जो संदेश है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड कर पाए, ठीक है। और यहां पर यह भी बोला गया, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जरूरी तो नहीं है कि भाई हर कोई पढ़ा लिखा हो, हर कोई लिटरेट हो, जरूरी ये भी नहीं था। तो इस वजह से वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो थे, जो लोकली लैंग्वेजेस बोले जाते थे, इस वजह से इस लैंग्वेज पर काफी जोर दिया जा रहा था। बात समझना है। देखिए नेशनलिस्ट जो थे वो तो समझ गए थे भाई कि बहुत सारे मतलब जो पॉपुलेशन में लोग हैं वो इलिटरेट हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। तो भाई ये जो लोग हैं जो इलिटरेट थे वो अपने लोकल लैंग्वेजेस को तो यूज करते थे ना, लोकल लैंग्वेजेस को वो लोग यूज करते थे अपने कॉन्वर्सेशन के लिए, बातचीत करने के लिए लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया करते थे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए ये लोग लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया करते थे। तो इसी का यूटिलाइज किसने किया, तो भाई नेशनलिस्ट लोगों ने किया, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया कि ठीक है चलो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्यों ना हम इन्हें संदेश जो हम इन्हें मैसेज देना चाहते हैं इन्हीं के वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में दें, यानी जो बोली ये लोग बोलते हैं, जो भी स्थानीय बोली ये लोग बोलते हैं, क्यों नहीं मैसेज को उसी में कन्वर्ट करके इन लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ,
इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, नेशनलिस्ट लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि किस तरह से ये जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड किया जा सके। तो अब क्या हुआ भाई, अब अगर इस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग को अगर ये लोग स्प्रेड करेंगे, संदेश को अगर लोगों के बीच में स्प्रेड करेंगे, तो अब जो इलिटरेट थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो भी नेशनलिज्म के फीलिंग से क्या हो गए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। और इस तरह से क्या हो रहा था कि जो नेशन स्टेट का आइडिया था, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जो लैंग्वेज था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशन स्टेट के आइडिया को और भी स्ट्रॉन्गर करने में और भी एस्टैब्लिश्ड करने में। आई थिंक ये लाइंस क्लियर हो गए हो, अब आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers रशिया, प्रूशियन, ऑस्ट्रिया। जो अभी हमने सिचुएशन डिस्कस किया लैंग्वेज को लेकर, जो अभी हमने डिस्कस किया सिचुएशन, जो conditions अभी हमने डिस्कस किया लैंग्वेज को लेकर, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा केस कहां हो रहा था, पोलैंड में हो रहा था। ठीक है, तो पोलैंड एक ऐसा टेरिटरी था जो कि फ्रांस के अंडर में था। ठीक है, नेपोलियन ने उससे कनकन किया था, बट ट्रीटी ऑफ वियना से, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रांस टेरिटरी जो था उसको यूरोपियन पावर्स रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया। यानी जो पोलैंड का टेरिटरी था उसका कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया ने लिया, पोलैंड का कुछ पार्ट रशिया ने लिया, और कुछ पार्ट किसने लिया, तो प्रूशिया ने लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पोलैंड जो था अब स्कैटर्ड वे में एग्जिस्ट कर रहा था, यानी एक तरह से कहें तो बिखर गया था पोलैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language. देखिए, Poland जो था वो कभी भी एक independent territory बनकर कभी भी नहीं रहा था। ठीक है, मतलब कभी भी एक independent territory नहीं रहा था, but फिर भी language and music के help से, यानी भाषा और संगीत की मदद से नेशनलिस्ट फीलिंग, यानी जो पोलिश पीपल थे, यानी जो पोलैंड के निवासी थे, ठीक है, उनके अंदर पोलैंड के लिए जो भी फीलिंग्स थे लव, अफेक्शन, प्राउड का जो भी फीलिंग था, नेशनलिज्म का जो फीलिंग था पोलैंड को लेकर, उसको एक तरह से जागृत रखा गया, जीवित रखा गया, एक तरह से कहे तो लोगों के अंदर एक तरह से जीवित रखा गया, ताकि जो पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड ताकि स्कैटर्ड होने के बावजूद वो लोगों से, उसके लोगों से एक रह सके। ठीक है, तो इस तरह से कल्चर का यहां पर भी यूज किया गया लोगों को एकजुट रखने के लिए, नेशनलिज्म के फीलिंग को और भी ज्यादा स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर म्यूजिक और लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरोल कर्पिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। बात को समझना है, कैरोल कर्पिंस्की ये एक और रोमांटिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपने म्यूजिक और ओपेराज के थ्रू जो लोग नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, जो लड़ाई संघर्ष लोग कर रहे थे, उन लोगों के मनोबल को इन्होंने कैसे बढ़ाया, तो अपने म्यूजिक और ओपेराज के थ्रू। और साथ ही इन्होंने एक और चीज किया था, उसे समझते हैं। टर्निंग फोक डांसर्स लाइक द पोलोनेज एंड मजुर्का इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। तो इन्होंने क्या किया कि फोक डांसेस, यानी जो लोग रीजनली प्रैक्टिस किया करते थे, किया नृत्य कला जो कह सकते हैं, जो वो लोग लोकली करते थे, जिसमें क्या नाम है भाई, एक पोलोनेज है और दूसरा क्या है, मजुर्का, इन्होंने क्या किया कि उसे नेशनलिस्ट सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी एक तरह से प्रतीक बना दिया इन्होंने। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई पर्सन इन दोनों डांस फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, मजुर्का और पोलोनेज डांस फॉर्म जो है इसको अगर प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसका मतलब ये था कि वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया कि जो दोनों डांस फॉर्म थे इसको एज अ सिंबल चूज किया गया, नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स थे उसको कैरी आउट करने के लिए और लोगों के बीच में नेशनलिज्म के फीलिंग को और भी डोमिनेंट बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।
लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट. सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लैंग्वेज यानी जो भाषा है, ठीक है, वो भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा था. क्या करने में भाई? तो लोगों को एकजुट करने में और नेशनलिस्ट फीलिंग यानी देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर इनकलकेट करने में लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. तो अब हम देखेंगे कि कैसे कर रहा था. ठीक है, यानी यहाँ पे एक तरह से ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज जो था अब वो लोगों को क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था. ठीक है, बाइंड कर रहा था और नेशन स्टेट की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए लोगों को इंस्पायर कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था. तो समझते हैं अब आगे. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. सो अभी हमने डिस्कस किया था भाई कि पोलैंड टेरिटरी जो था उसका कुछ पार्ट रशिया को मिला था, कुछ पार्ट प्रूशिया को मिला था और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया को मिला था. तो ये हम उस पार्ट की, उस रीजन्स की बात कर रहे हैं पोलैंड के, जो कि रशियन पावर के अंडर में था. तो क्या हुआ भाई कि जब पोलैंड रशिया के कब्जे में आया तो क्या हुआ कि रशियन पावर जो थे वो फोर्सिबली सारे स्कूल्स से जो पोलिश लैंग्वेज में पढ़ाई हुआ करता था उसको उन लोगों ने हटवा दिया. ठीक है, यानी एक तरह से क्या किया कि पोलिश लैंग्वेज को आउट कर दिया स्कूल से और हर जगह रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, यानी लोगों पर रशियन लैंग्वेज को लाद दिया. भले लोग रशियन लैंग्वेज को यूज करने के लिए मतलब उत्साहित हैं या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बट उन पर इम्पोज कर दिया गया जबरदस्ती कि जितने भी लोग हैं इस टेरिटरी में वो रशियन लैंग्वेज को यूज करो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड. ठीक है, तो अभी जो हमने ऊपर सिचुएशन देखा जिसमें लोगों के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है लैंग्वेज को लेकर, तो ये क्या था, एक तरह से लोगों को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा था, लोग जो हो रहे थे यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे थे एक तरह से. तो भाई गुस्सा तो भड़केगा ना, तो विद्रोह की ज्वाला जो थी ना वो पोलिश लोगों के बीच में भी भड़की. और 1831 में क्या किया पोलिश लोगों ने कि हथियार के साथ एक रिवॉल्यूशन किया. ठीक है, हथियार के साथ रिवॉल्यूशन किया, जो रशियन पावर थे, रशियन पावर्स जो था उसका विरोध किया. बट क्या हुआ कि ये जो रिवॉल्यूशन था वो अनसक्सेसफुल रहा. ठीक है, कोई इसका मतलब रिजल्ट नहीं आ पाया, उल्टा इस रिवॉल्यूशन को जो रशियन पावर्स थे उन लोगों ने कुचल दिया था. अब आगे बढ़ते हैं. फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस. सो क्या हुआ कि जो पोलैंड के जो क्लर्जी कम्युनिटी थे, पोलैंड के जो क्लर्जी कम्युनिटी थे यानी जो चर्च से रिलेटेड थे, उन लोगों ने क्या किया कि लैंग्वेज को यानी भाषा को एज अ हथियार, एज अ वेपन यूज वो लोग करने लगे, यानी हथियार बना लिया कि भाई हथियार बना लिया किसके अगेंस्ट, तो यूरोपियन पावर के अगेंस्ट. यानी वो लोग अब पोलिश लैंग्वेज यूज कर रहे थे. ठीक है, एक तरह से कहें तो वो लोग पोलिश लैंग्वेज को यूज कर रहे थे और पोलिश लैंग्वेज को यूज करके वो दिखाना ये चाह रहे थे कि हम रशियन पावर का विरोध करते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह से इन लोगों ने, क्लर्जी जो कम्युनिटी था वो किस तरह से लैंग्वेज से लैंग्वेज को एज अ वेपन लेकर रशियन पावर को अपोज करता, अब हम वो देखते हैं. पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो भाई क्या किया क्लर्जी लोगों ने कि चर्च में जो भी आयोजन होता, कुछ भी अगर चर्च में प्रोग्राम हो रहा, अगर कोई भी समारोह हो रहा होता था तो वो किस लैंग्वेज में होता था, पोलिश लैंग्वेज में, जिसको क्या करते थे जो रशियन पावर थे, जिसको क्या करते थे, ओपोज करते थे, तो उसी लैंग्वेज का ये लोग यूज करते थे. इससे वो क्या शो कर रहे थे, अपने विरोध को शो कर रहे थे रशियन पावर को लेकर. ठीक है, और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते थे यानी जितने भी धार्मिक निर्देश देना होता था ना, वो भी ये लोग कौन से लैंग्वेज में देते थे, पोलिश लैंग्वेज में देते थे. तो इस तरह से ये लोग क्या कर रहे थे, यूरोपियन जो सॉरी रशियन पावर को ये लोग क्या कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे. अब देखते आगे क्या होता है. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities
एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन. सो क्या हो रहा था भाई, ये लोग तो उल्लंघन कर रहे थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे रशियन पावर के द्वारा. क्लर्जी कम्युनिटी जो था पोलैंड का, वो तो इसका उल्लंघन कर रहा था. ठीक है, तो एज अ पनिशमेंट, या आप कह सकते हो कि लोगों के अंदर रशियन पावर को लेकर डर और भय कैसे पैदा किया गया, वो समझना है. तो बहुत सारे प्रिस्ट, यानी जो चर्च वगैरह में पूजा करवाते थे, और बिशप्स को क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया. ठीक है, और पनिशमेंट के तौर पे साथ ही कुछ बिशप्स, कुछ प्रिस्ट को साइबेरिया भी भेज दिया जाता था. साइबेरिया कैसा रीजन है, बहुत ये ठंड वाला प्रदेश है. ठीक है, तो एक तरह से कहें तो वहां पर इन लोगों को छोड़ दिया जाता था, बिशप्स और प्रिस्ट को छोड़ दिया जाता था. इसका मतलब क्या था कि वो लोग को मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता था पनिशमेंट के तौर पर. कि क्यों पनिशमेंट दिया जाता था, क्योंकि इन लोगों ने रशियन लैंग्वेज का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में नहीं किया, तो दंड के तौर पे उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था. द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. सो क्या हुआ भाई कि पॉलिश लैंग्वेज जो था, ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज अब एक ऐसा सिंबल बन गया था, कि सिंबल बन गया था स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस की. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिश लैंग्वेज को यूज कर रहा है, ठीक है, अगर पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो रशियन पावर का विरोध कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि लैंग्वेज किस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ रहा है लोगों के बीच में. ठीक है, तो इस टॉपिक के थ्रू हमने ये समझ लिया कि भाई कल्चर ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपना प्ले किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म के आइडिया को स्ट्रॉन्ग करने में, और नेशन स्टेट के आइडिया को लोगों के बीच में फ्लरिश करने में. सो आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट्स में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे.